फिर के कहना चाहो वो के संदेश देना चाहो हमारा काम आगे बढ़ा पूरी जानकारी दो जी इसके बारे में ये गांव से कमिटी आती है ये क्या कर रहे हो भाई कलश यात्रा की अच्छा कलश यात्रा की अच्छा अच्छा ये सुखा गए इसके बाद ये बाद में लिखोगे है भाई अच्छा ये सतिये बाद में बनाओगे है अच्छा ये तो ऐसे बाउल रखा हुआ है अच्छा क्योंकि इसमें कांच का गोल घेरा सा लग गया ऐसे टेबल बन जाएगी वो भी टेबल ही है अच्छा ये वाली हाँ ये बर्ड्स और ये सब ऐसी है ये सारी आपने खुद बना रखी है ये सारे पोर्ट रखे हुए हैं खरगोश का है ये कछुए का है ये सब ये इससे कुछ भी डिजाइन का पीस रख सकते हैं सो पीस अच्छा बैठ भी सकते हैं फिर कुछ सामान भी उतार सकते हैं अच्छा ठीक बहुत बढ़िया ये फाउंटेन टाइप से हाँ ये तो लग रहा है ये तुलसी पोर्ट है और ये भी पोर्ट है अच्छा ये अच्छा ये पानी का कैंपर है मिट्टी का ही हाँ गर्मियों में ना और सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा
इतने अच्छे है ना, बहुत बढ़िया। बाउल है कटोरी खाना बनाने के लिए, हाउस में सूप वगैरह बच्चों के लिए सही रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये भी कढ़ाई भी है हमारे पास। अच्छा, मिट्टी की कढ़ाई। पहले के जो, हाँ पहले के जो आदमी थे ना, वो स्वस्थ रहने का यही कारण था उनका। मिट्टी के चूल्हे, हारी, सब चीजें हैं। अच्छा अच्छा, बनाती हूँ मैं। कितने के दे रही हूँ? ये बड़े वाला सोफा है, छोटे 50 का है। इसमें ही डालते हैं, ये बाउल है ना जो। हाँ, अरे ये बाउल निकालो, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं। छोटे वाले दिखाओ, छोटे वाले इसे लग रहे हैं ना। ये बाउल में पानी भर लो और फिर करो। अच्छे लगेंगे ये। ठीक है, दो ले लेते हैं ना। देख लो ये वो सो जाते हैं, वो सेबल है। अच्छा, हाँ। पहले से भद्दे से दिखने लगे हैं आपको, तो साफ हो जाते हैं सर्फ वगैरह से। अच्छा, के साफ हो जाएंगे। ये तीन हो गए। और ये देखिए, हमने ये ले लिए हैं, तो कैसे लगे ये बताइएगा। तो बॉक्स में और भी दिखा रही हूँ। हाँ, ये जो बाउल है ना, इसमें डालने होते हैं। अच्छा, ऐसे चटका हुआ गया, ऐसे पानी भर दो, ऐसे डाल लो इनको। एक और काम है, इसमें पानी में तैरेंगी। हाँ, और ये देखिए गाइस, वाओ कितना सुंदर व्यू आपको देखने मिल रहा है यहाँ पे। और ये जो चीजें है ना, ये मिट्टी की बनाई हुई है। ये देखिए, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी मिट्टी से जुड़ी चीजें हैं, ये डूबेंगे नहीं पानी में। अच्छा। ये देखिए, ये छोटी छोटी चीजें। वाओ, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है। वेरी नाइस। तो ना आप नाम बताओ अपना। मेरा नाम अनुराधा है। मैं यहाँ से भागवत में कलश यात्रा के लिए हम कलश तैयार कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। भागवत कथा में जो कलश होते हैं उसके लिए कलश तैयार कर रहे हैं। अच्छा, तो हाँ, ये देखिए, ये भाई बना रहे हैं यहाँ पे ना। हाँ भाई, ये शाम तक शायद तैयार कर दोगे। अच्छा, तो देखिए वो कलर कर रहे हैं, कलश यात्रा के लिए जो बना रहे हैं ये। और मिट्टी के हैं ये, देखिए कितनी अच्छी मतलब चीजें हैं, सारी मिट्टी की है। दिखाओ, ये देखिए, ये सारी चीज जो है कलश यात्रा के लिए, बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। मेरा केला देवी है। अच्छा, और ये जो काम कर रहे हो, ये कितने दिनों से कर रहे हो आप? हमने तो बहुत साल हो गए थे। अच्छा अच्छा, आपकी पीढ़ी करती आई थी जी? हमारा ससुर करता था, ये करते। अच्छा अच्छा, तो जो ये बनाते हो मिट्टी का, ये हमारा कल्चर है, हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप कैसे मिट्टी लाते हो, कहाँ से लाते हो, कैसे बनाते हो, पूरी जानकारी दो जी इसके बारे में। ये गाँव से तो मिट्टी आती है, गांव से तो मिट्टी आती है। हाँ। और ये बिजली के चाक ले रखे हैं, पहले हाथ के घुमाने वाले थे। हाँ, पहले हाथ के घुमाने वाले थे, अब ये बिजली के ले रखे तो इनमें खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, इसलिए महंगाई ज्यादा कर रही है। हाँ, महंगाई भी तो पैसे नहीं मिलते। हाँ, इसलिए महंगाई ज्यादा मान रहे लोग बाग। अच्छा, मेहनत बहुत है इस काम में। अच्छा, कैसे बनाते हो? कैसे? बिजली के चाक से बनाते हैं। ये चाक दिखाती हूँ। हाँ, चलो दिखाओ। गाइस, आइए हम देखते हैं यहाँ पे जो ये मिट्टी के घड़े और जो जितनी सारी चीजें आपने देखी है ना, तो ये जिस चीज पे बनते है ना, वो दिखा देते हैं हम। ये देखिए, ये चीज है। अच्छा चाक। अच्छा अच्छा अच्छा, ये चाक है। हाँ जी। मिट्टी मतलब कैसे? मिट्टी को गीला करके उसको कूटते हैं, फिर उसको छानते हैं। हाँ। फिर उसमें ड्राम में बेकन है। हाँ। रबड़ी की तरह निकालते हैं। अच्छा, फिर उसको अगले दिन उसको टाइट कर काटे की तरह भूनते हैं, गाते हैं, फिर उसकी मटका बनाते हैं। अच्छा, इस गोलाई जो आती है मटके की, वो इससे आती है। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हो गाइस आप। और ये जो है, ये बिजली से चलने वाला है। बिजली से? हाँ। पहले जो होते थे वो हाथ के होते थे, लेकिन अब जो है बिजली
ये जल्दी काम कर देता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसका खर्चा भी बढ़ गया होगा आंटी। हाँ जी, है ना। हाँ। क्योंकि बिजली का खर्चा है, चौकी तो आपने पता हो कितनी गर्म चलाते हो। हाँ, वो तो है। हाँ। ना बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने। और बल्कि ये है कि मैं तो ये कहना चाहूंगी बहुत बढ़िया काम है यो, और सभी ने ना ये चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी भारत की चीजें है। हाँ। और हमारे भारत में जो मेहनत है ना वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हाँ। तो बहुत बढ़िया है आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए अब बाय कर दीजिए मेरी वीडियो में। बाय, धन्यवाद। हाँ भाई, पहले तो अपना नाम बता दे। मोनू नाम है। अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, अपने इस कल्चर के बारे में क्या कहना चाहता है? मिट्टी के जो है इसमें ये अजीब कीमत तो सस्ती है और लागत ज्यादा। अच्छा, सामान महंगा। हाँ जी, सामान महंगा। और जी एक बात बताऊं, हमारे छोटे छोटे बच्चे इसमें सारे मिट्टी के साथ मिट्टी होते रहते हैं, और मिट्टी बाहर से आते हैं, कोई 4,000 रुपए की ट्रेली, कोई 5,000 रुपए की। और जी इसमें क्या है कि उपले नहीं मिलते, एक उपला 4 रुपए का, जिसमें हमारी लागत होती है। हम काम करते हैं जैसे कि 1,000 रुपए का काम किया। हाँ। और उसमें बचत आती है हमारी ज्यादा 300-400 रुपए। अच्छा, 600-700 रुपए खर्चा होते हैं। फिर क्या कहना चाहो, के संदेश देना चाहो? ये देना चाहते हैं कि हमारा काम आगे बढ़ाओ, हमारा काम आगे बढ़ाओ। आजकल इसके बर्तन। हाँ जी, क्योंकि बीमारी बढ़ चुकी है, आप चल चुका है मिट्टी का सामान। और जितना मिट्टी का उसमें खाओगे उतना ही ये होती है कैंसर, ब्लड, ये सारी चीज ये इनसे ही होती है, स्टील से। मिट्टी में खाओगे तो आदमी स्वस्थ रहेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत धन्यवाद आपका।